फरीदाबाद के NIT नंबर 5 स्थित वेदांता अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, जहां 55 साल की महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा, वहीं अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनके मरीज की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें 13 दिन तक उनके मरीज से मिलने नहीं दिया और बाद में उसे मृतक घोषित कर दिया। दिल्ली में इनका अल्ट्रासाउंड करवाया था, इनकी जिसकी थैली में पथरी बताई थी 16 mm की, 16.7 की। इन्होंने 19 तारीख को हमें डॉक्टर भगेले ARM जो है डॉक्टर भगेले हैं, धर्मकांट में बैठते हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर वेदांता हॉस्पिटल के लिए भेजा था कि हम यहाँ सर्जन भी बुलवाया था। सर्जन का नाम है प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत। अब वेदांता हॉस्पिटल में अब पता नहीं क्या करा है इन लोगों ने। 2.5 घंटे ऑपरेशन चला था, कहाँ 20 मिनट का ऑपरेशन। इनने 2.5 घंटे ऑपरेशन चलवा के पता नहीं क्या हुआ था, एकदम से भगते हुए आए थे ऑपरेशन थिएटर में से और भगा के ले गए उनको और गेट बंद कर लिया आईसीयू का। अब बाद में कह रहे हैं कि जी वेंटिलेटर की ज़रूरत है इन्हें। इतना बड़ा केस नहीं था, इतना बड़ा केस बना दिया गया है। ये इतना वेंटिलेटर पे डाल दिया, हमारी मजबूरी थी कि हमें वेंटिलेटर पे डलवाना पड़ा। आज 13 दिन के बाद इन्हें कह रहे हैं कि नो मोर हो रहा है, मतलब ख़त्म है, अब डेड हो गई हैं। जब से ये कह रहे थे 48 घंटे में होश आ जाएगा, 48 घंटे में या 24 घंटे में होश आ जाएगा, अभी तक होश नहीं आया। और आज इन्होंने बिल्कुल ही साफ खड़े कर दिए हाथ, कह रहे हैं कि अब नहीं रही। हमसे कल कह रहे थे कि कहीं और ले जाओ, हम पे दबाव बनाया जा रहा था कि कहीं और ले जाओ, पर इन्होंने, इनका केस इतना बिगड़ गया था, इन्होंने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए। अब कह रहे हैं कि नहीं बची। सुबह कह रहे थे कि ये सो रही है, मैं गया था देखने तो बता रहे थे ये सो रही है, और अब नीचे आए हैं तो बता रहे हैं कि खत्म हो गई है। वहीं अब इस मामले में अस्पताल के बाहर रोते बिलखते दिखाई दे रही ये मृतक महिला के परिजन अब इंसाफ की मांग कर रही हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सरकारी अस्पताल में CMO के द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन करवाकर इस मामले में जांच करवाई जाएगी, और अगर इस मामले में कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। सबसे बात नहीं हुई, तो इनसे बात हुई है, ये कह रहे हैं अभी हमारी माँ पथरी का ऑपरेशन के लिए आई थी 12 दिन पहले, और वेंटिलेटर पे ही है, आज दम तोड़ दिया है, और डॉक्टर पे ही आरोप लगा रहे हैं अभी इन्हें ठीक से इलाज नहीं किया जी। अभी कोई कंप्लेंट किसी प्रकार का आया नहीं है, पेरेंट से बात हो रही है, वो कंप्लेंट देंगे, उसी आधार पर CMO साहब से बोर्ड बनवाकर कार्रवाई, ये जो मुनासिब चाहेंगे वही कार्रवाई कर दी जाएगी। मतलब अगर ये जो कार्रवाई 100% होगी, CMO साहब से बोर्ड बनवाकर बोर्ड के माध्यम से इसका पोस्टमार्टम करा के और कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस को मिली शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस की आगामी कार्रवाई के बाद दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। पंजाब के SUTV के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।